बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बेहतरीन लोगों की कृपा है हम पर, तो उन्हीं के द्वारा ही हम लोग इस मतलब जिस लेवल पर पहुँच पाए हैं। रुपेश जी हमारे जीवन साथी हैं और बहुत ही अच्छे शख्स हैं, और मोहम्मद भाई भी हैं यहाँ पर। बाकी जो ये शो हो जिस तरीके से प्लान किया इन लोगों ने, मुझे ये 8वां सीज़न था राइट, तो बहुत ही अच्छा। मतलब लोगों की हर साल तरक्की होते होते मतलब ये जो जिस मुकाम तक ले आए हैं, इतने काबिल लोग हैं, इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं, आसान कम नहीं होता यार। मतलब एक सीज़न बनाने में हमें पता ना, लॉकअप का एक सीज़न हमने बनाया तो अंदर एज अ कंटेस्टेंट हम लोगों की हमारी आत्मा बाहर आ गई थी भाई ये क्या हो क्या रहा है। तो इन लोगों ने 8 सीज़न बना लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो मतलब दम रखते ही होंगे ये लोग। तो चाहता हूँ कि आगे भी सीज़न कंटिन्यू रहे। लॉकअप की चर्चा कर रहे हो आप, तो लॉकअप के बाद किस तरह से लाइफ में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हो, और आने वाले समय में क्या कुछ, किस जगह पे हम आपको देखेंगे? मूवीज हो गए, रियलिटी शोज हो गए, क्या कुछ? मूवीज अभी थोड़ा सा दूर है, सफ़र मेरा लंबा है, पर मैं पहला मेरा काम जो मैं बोलता आया हूँ लॉकअप में भी, मैंने बोला है कि भाई मुझे 10 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, तो डेली सोप का मैं हर घर के मतलब हर सासू माँ बुआ भाभी चाचा ताई चाचा नाना सबके दिल में मैं समाना चाहता हूँ। तो इसी वजह से मैं, और मेरा जो मकसद है कि मैं टेलीविज़न डेली सोप का स्टार बनना चाहता हूँ, इंशाल्लाह भोलेनाथ की कृपा रही तो हो जाएगा। और लगे हुए हैं वेब सीरीज़ और OTT प्लेटफॉर्म, जैसे कि अब लोगों को पता है कि OTT बहुत ज़्यादा शाइन कर चुका है, क्योंकि इतने TV नहीं है दुनिया में जितने मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं सबके हाथ में है। तो OTT प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्टर्स को मौका मिलता है खुद को दर्शाने का और खुद के जो भी टैलेंट है उनको दिखाने का। क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ टेलीविज़न पर कुछ लिमिटेड लोग ही काम कर पाते थे, पर क्योंकि अब जब OTT इतना राइज कर चुका है, शाइन कर चुका है, बड़े बड़े लोग आके अब OTT पे शो होस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी, तो मुझे लग रहा है कि OTT इज़ अ गुड जैकपॉट फॉर एक्टर्स लाइक अस। पर रियलिटी शो की मैं बात करूँ, आपके सबसे अच्छे दोस्त प्रतीक की मैं बात करूँ, हर एक रियलिटी शो ऐसा होता है कि टिक कर चुके, क्या आप हर एक रियलिटी शो टिक करना चाहोगे? नहीं, हर एक नहीं, मतलब इसके बाद एक ही मकसद रहेगा कि बिग बॉस करेंगे महादेव ने चाहा तो। पर एक क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ, कि मैंने सुना भी है और मुझे ऐसा लगा भी है कि जो लोग ज़्यादा OTT के मतलब नॉट ओनली OTT रियलिटी शोज़ कर लेते हैं तो उनके ऊपर एक स्टैम्प लग जाता है, तो मैं उस स्टैम्प को ना लगने देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्राफ्ट को निखारना चाहता हूँ। और इस बिफोर डूइंग बिग बॉस आई वुड लाइक टू गो फॉर सम गुड डेली सोप। बाकी रुपेश जी तो बैठे ही हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा महादेव की कृपा से। पर विनर्स कुछ नहीं कर पाते ज्यादा, टैलेंट होना चाहिए, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, विनर्स कुछ नहीं कर पाए। विनर्स ऑफ द ये रियलिटी शोज, विनर्स से ज्यादा कंटेस्टेंट जिनको फेम है ना वो कर लेते हैं। विनर्स यू सी फ्रॉम सीजन 1 टू 15 क्या कर लिया किसी विनर ने? आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से मेंशरस जर्नी काफी कमाल की रही थी, काफी कुछ हुआ लोकल में, काफी क्लोज फ्रेंड आए, तो शिवम सर को कोई कास्ट करने वाले कोई आप बताऊंगा नहीं, आप लोग देखिए प्रोमो आएगा जब काम करेगा। तो भाई काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना मोहम्मद जी की तरह नाम ऐसा करो कि नाम से ही काम हो जाए। तो इन्होंने नाम ऐसा कर दिया कि इनके नाम से ही काम होता है आजकल। कल एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग के 100+ सेलिब्रिटीज आए, बिकॉज एक तो बारिश था उसके ऊपर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़े देर, बट लास्ट तक भी एक एक्टर बचा हुआ था सिम्बा नागपाल जो 11 बजे आए, बट इट वॉज गुड दैट ऑलमोस्ट वी कम्प्लीटेड 106 सेलिब्रिटीज, तो बहुत अच्छी बात है सीजन 8 कम्प्लीट हुए। इस बार हमने कुछ डिफरेंट करने को सोचा, अगर तुमने देखा तो एरिका का ड्रेस देखते, निकिता का, फिर सिमरन का, दे ऑल केम इन द कोड मेटगाला, इंटरनेशनल के भी इतने सारे लोग आए, अनफॉर्चुनेटली थोड़े लोग ने पहचाना नहीं, बट कोई बात नहीं, बट इट वॉज अ हिट सीजन विथ मीडिया एज यूजुअल, एज यूजुअल इट वॉज वेरी हिट। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इस बार इंडिया से कंटेस्टेंट रिप्रेजेंट किया था आदित्य ने, तो मैन ऑफ द वर्ल्ड जीता, तो ही बिकेम द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, तो हमने सोचा कि उनके प्रेसिडेंट को जो है विनर बन के आए हैं, कांग्रेचुलेशंस ब्रो, थैंक यू, तो हमने सोचा कि उनके प्रेसिडेंट को ये क्यों ना लेके आए, तो
दैट इज़ वेयर वी इन्वाइटेड हिम, ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. तो फिर कार्लो फिलिपीन से फ्लाई होके, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी नहीं थी, विया फ्लाइट्स लेके उतनी मेहनत करके बेचारे फिलिपीन से आए हैं. टुमारो दे आर गोइंग बैक. या इंग्लिश माय एक्सपीरियंस लास्ट नाइट फॉर द इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स इज रियली आई फेल्ट लाइक वेरी फैसिनेटेड विद द इवेंट लास्ट नाइट, सपोर्टेड बाय दिस सेलिब्रिटीज फ्रॉम योर कंट्री. इट रियली गिव्स यू नो अ गुड वाइब्स लास्ट नाइट. That's my first time actually attending an event here in India, and I'm very proud to be part of this event. How was the experience? Can you share with experience regarding even the pageant board? How was your experience? Experience with Indian candidates. Okay. Oh, with the candidates. Yeah. With the candidates. Okay. For this fourth edition, we really enjoy the activities and every thing that happened during Man of the World. We really treasure every moment during that time, especially Aditya, who won Man of the World when the fourth edition of Man of the World. For sure, he can actually share to you his experience during the time in Man of the World. The experience was fantastic, definitely. And coming back to all the celebrities, all the media people and all my people, I personally want to say that I'm blessed to have all these people with me. And yes, it's just a blessing I have. मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी बहुत जल्दी आपको और एक गुड न्यूज़ मिलेगी. तब जब आप लोगों ने अभी इतना साथ दिया, जो जो मीडिया ने साथ दिया है मुझे याद है, एंड इंडिया की टॉपेस्ट सेलिब्रिटी एक हमारे टीम में से डेट कर रही है, तो बहुत जल्दी मैं जब उनके बारे में बोलूँगा एंड व्हेन दे सी, तब आप लोग शॉक रहेंगे, क्योंकि वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड वो आज तक ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देती है. तब आई एम श्योर जिसने ये हमें नकारा है इंटरव्यूज़ लेने के लिए, तब श्योरली वो आपको रिवर्स मिलेगा. Especially you are good to us, everyone are good, but jisne bhi kiya hai na unko to reverse milega. Thank you. Thank you.